Hey guys, welcome to my channel and welcome to another vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे and everything is going good with you and your life. तो हाँ जी, मैं आ गई हूँ आज एक नया vlog लेकर काफ़ी दिनों के बाद, because मैं काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकल रही हूँ. बेबी के साथ बाहर बिल्कुल जाने का टाइम ही नहीं लगता, तो मैंने कहा कि चलो आज बाहर जाना ही है. और आज एक इवेंट भी है जो हमने अटेंड करना है, ऑफिस की तरफ से है, अंकुश की ऑफिस की तरफ से है. तो अंकुश ने कहा कि तुम भी चलो, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ. तो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी वहाँ पे, होटल में हमें स्टे भी करवाया हुआ है, ऑफिस की तरफ से ही है. तो थोड़ा सा बाहर स्टेकेशन टाइप हो जाएगा. शॉवर वगैरह था मैंने रात को ही ले लिया था, बिकॉज मेरे पास अभी कम टाइम है. मैंने बेबी को भी शॉवर दिलवाना है और मैंने बेबी की कुकिंग वगैरह भी करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अगले क्लिप में. तो वही है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे नॉर्मल वगैरह रेडी होके, बट होटल में हमने रेडी होना ही है, तो वहाँ पे फुल तैयार व्यार होंगे, जाएंगे इवेंट के लिए. सो ये मैंने फूड रेडी कर लिए हैं किकी के लिए. ये थोड़ा वेजिटेबल है, ये ओट्स हैं, और ये मैंने सूजी और थोड़ा सा फ्रूट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया. वैसे तो हम एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन मैंने तीन चीज़ें इसलिए बना ली हैं कि पता नहीं होता ना कि बेबी अब क्या खाएगा, अब क्या खाएगा. कभी कभी होता है कि वो वेजिटेबल पसंद करती है, कभी कभी होता है कि उसको फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो मैं ऑप्शन रख लेती हूँ ताकि मुझे बाहर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं नहीं चाहती कि बाहर से कुछ बाय करके बच्चों को दिया जाए, बिकॉज आई डोंट नो कि कितनी शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें. तो इसलिए अभी तो थोड़ी देर के लिए तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, पर मैंने देखने हैं कुछ स्नैक्स ऐसे मिल जाएँ जिसमें शुगर वगैरह नेचुरल हो, ताकि ऑन द गो जब आप वेकेशंस पे जाओ तो बच्चों को दिए जाए. तो अगर कुछ आपको ऐसा पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी कौन से स्नैक्स हैं जो 9 to 10th मंथ के बच्चों को दिए जाएं, ताकि थोड़ा सा मुझे ईज़ हो जाए और मेरे दिमाग में ये ना हो कि बच्चा भूखा है, अभी उसने ये नहीं खाया. सो चलो अब करते हैं जो लंच है वो पैकिंग वगैरह करते हैं. ये है जो ड्रेस मैं आज पहनूंगी, इसका कलर बहुत ही प्यारा है. ये मैंने ड्रेस टेड ब्रेकर से ली थी लंदन से. मैंने बोला था कि मैं एक हॉल बनाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करी है, लेकिन मुझे वैसे टाइम ही नहीं मिला और ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करी, तो मैंने कहा कि क्या ही हॉल बनाना है. मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी जब, तो मैं बता दूंगी. तो ये ड्रेस मैं आज वेयर करने वाली हूँ होपफुली. टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि जो इवेंट है वो किस बारे में है. वाइन फेस्ट है, वहाँ की स्पेशलिटी है वाइन बनाना. वहाँ पे विनियर्ड्स वगैरह भी हैं, तो बड़े बड़े खेत हैं, पूरे प्रोसेस किया जाता है वहाँ पे, डिफरेंट तरीके की वाइन बनाई जाती है. तो एक वैली टाइप है, तो वहाँ पे जाना है हमने, तो वाइन टेस्टिंग करी जाएगी. मुझे तो अलाउड है वैसे जाना, लेकिन मेरे साथ बेबी होगा, तो आई एम नॉट श्योर कि बेबी को जाने देंगे कि नहीं. वैसे वहाँ पे लिखा हुआ है कि बेबी अलाउड नहीं है, बट बेबी कौन से जो मतलब कि चल सकते हैं, टॉडलर्स वगैरह, तो ये तो इन्फेंट ही है अभी, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होगा. तो अगर तो मैं जा पाई तो आपको पता चल ही जाएगा आगे क्लिप्स में, नहीं जा पाई तो भी पता लग ही जाएगा. लेकिन लेट्स सी, होपफुली देखते हैं, मैं ज़रूर दिखाऊंगी. तो मैंने कहा थोड़ा सा फेस पैक ही लगा लेते हैं. मैंने ये चिया सीड्स वाला फेस पैक आजकल काफ़ी वायरल हुआ है, तो वो मैंने थोड़ा सा मिल्क के साथ मिक्स करके वो लगा लिया है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी का फूड कुक करने के लिए. जब आपके बेबी सॉयलेट्स खाने शुरू हो जाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. इसमें आप जैसे कि आप दे सकते हो, स्टीम भी कर सकते हो, देन उसके बाद स्टीम करने के बाद ब्लेंड कर सकते हो, अपना बॉटल वार्म कर सकते हो, देन उसके बाद स्टेरिलाइज भी कर सकते हो. तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, और मॉम्स की लाइफ को थोड़ा ईजी भी बना देती है. तो
ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा चलो अगर कोई मॉम्स मुझे देख रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो मैंने सारा फूड जो भी प्रिपेयर किया मैंने इसी में बनाया है, तो काफ़ी इजी रह जाता है, जल्दी जल्दी से सब कुछ बन जाता है। और यू नो क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बच्चा भी संभालो खाना भी बनाओ, तो ये अच्छी चीज़ है। एक आप अमेज़ोन से ले सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। तो चलो अभी आई थिंक सूख गया, तो इसको करते हैं वॉश और फिर रेडी होते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं होटल में, तो चेक इन कर लिया है। सामान था थोड़ा गाड़ी में पड़ा हुआ तो मैं वो लेने गई थी। बहुत ही प्यारी सी जगह पे होटल है, मैं आपको रूम का टूर देती हूँ इसके बाद, एंड फिर उसके बाद रेडी होते हैं, फिर चलते हैं अपने पैसे। एंड अब है नेक्स्ट डे, एंड आप व्यू देख रहे होंगे हमारी होटल की विंडो से, इतना अच्छा व्यू था सुबह सुबह। एंड जो रात का इवेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, वाइन टेस्टिंग वाला, काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो लोकेशन जहाँ पे इवेंट हो रहा था, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है वो वुल्फविल में, अगर आप आते हो तो उसको ज़रूर ट्राई करो। हमारा इवेंट अंदर था लेकिन आउटडोर आप उनकी जो विनियर्ड्स हैं उनका भी टूर ले सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड जो वुल्फविल टाउन है इसको टाउन ऑफ अकेडियन भी कहा जाता है, बिकॉज अकेडिया यूनिवर्सिटी कनाडा की फेमस यहाँ पर ही है, एंड ऑल्सो वुल्फविल इज़ फेमस फॉर इट्स वाइनरीज, एटलीस्ट 10 to 11 वाइनरीज है यहाँ पे, एंड विनियर्ड्स हैं जहाँ के टूर लेने के लिए लोग आते हैं, फेमस वाइन ट्राई करने के लिए आते हैं। देन उसके बाद हमने ग्रैब करी कॉफ़ी एंड हम निकल पड़े हैलिफैक्स की तरफ, बिकॉज हमें मॉल जाना था। वेदर जो था इतना प्यारा हुआ था, एंड आई वॉज ट्राइंग कि मैं को जो फॉल के कलर्स हैं वो दिखा पाऊँ, लेकिन अभी अक्टूबर स्टार्ट ही हुआ है तो अभी इतने कलर्स नहीं आए हैं, बट डोंट वरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी एंड डेफिनेटली मैं आपको कलर्स तो दिखाऊंगी। तो चलो अभी चलते हैं हैलिफैक्स।
अब हम पहुंच गए हैं हैलिफैक्स शॉपिंग सेंटर। एक दो चीज़ें पिकअप करनी थी, लैपटॉप वगैरह हमने ऑर्डर किया था तो वो पिकअप करना था, तो इसलिए हम आ गए। छोटा सा ही टाउन है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही प्यारा सा वेदर आप देख रहे होंगे, कितना अच्छा हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे तो पूरा प्रॉपर टूर करेंगे विनियर्ड्स का, तो फिर मैं आपको हुआ तो मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। लेकिन या अच्छा दिन रहा, स्टेकेशन ही था, घर से बाहर निकली, थोड़ा सा यू नो माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड चेंज होता है। तो बस यहाँ से एक दो चीज़ें और पिकअप करनी है, वो करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि आज शाम को हमारे घर पे एक दो गेस्ट आने वाले हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, घर में थोड़ा सा मैसअप हुआ पड़ा है। तो या यहाँ से खाएंगे, लंच करेंगे, देखते हैं, एंड देन उसके बाद निकलते हैं घर को। ये ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। होप यू गाइज लाइक इट। ज़्यादा तो कुछ था नहीं, जितना भी मेरे से हुआ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इफ़ यू गाइज लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। सो कोशिश करूँगी कि कॉन्टीन्यूस ब्लॉग लाने की कोशिश करूँ, बैक टू यू नो कहते हैं ना नॉर्मल आऊँ, बट छोटे बेबी के साथ थोड़ा सा हो जाता है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, and I'll see you in my next video. Till then, goodbye, take care, bye bye.